दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 9 अप्रैल 2024 मंगलवार। एक बार फिर से माप के लिए आज की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा धारक कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। BSF, हाई कोर्ट, OS, SSC, GES, SSB के अंतर्गत बम्पर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहां पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 9 अप्रैल 2024 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, जो यहां पर इसमें फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सीमा सुरक्षा बल BSF के अंतर्गत भर्ती निकली है। यहां पर पोस्ट है एयर विंग के अंतर्गत असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक ASI यानी के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक ASI, कॉन्स्टेबल स्टोरमैन और इंजीनियरिंग सेटअप के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर वर्क्स SIJ इलेक्ट्रिकल, हेड कॉन्स्टेबल प्लम्बर SC कारपेंटर, कॉन्स्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कॉन्स्टेबल जनरेटर मैकेनिक, कॉन्स्टेबल लाइनमैन की टोटल वैकेंसीज आप पोस्ट वाइज नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 15 अप्रैल 2024 है। सेली ASI पोस्ट के लिए 29,200 से 92,300 है और कॉन्स्टेबल के लिए 21,700 से 69,100 है। SI के लिए यहां पर 35,400 से 112,400 है। हेड कॉन्स्टेबल के लिए 25,500 से 81,100 है। 10वीं पास IT डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। हेड कॉन्स्टेबल कॉन्स्टेबल के लिए 20 से 25 वर्ष आयु सीमा है, अदर पोस्ट के लिए 20 से 30 वर्ष है। फी जनरल OBC WS के लिए 100 रुपये है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। recruit.bsf.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें सेकंड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है झारखंड हाई कोर्ट में JHC उच्च न्यायालय के अंतर्गत भर्ती है। क्लर्क असिस्टेंट की पोस्ट है, 410 वैकेंसीज है। क्लर्क के लिए 290, असिस्टेंट के लिए 120 खाली पद है। आवेदन इसके लिए कल से शुरू होने जा रहे हैं। आवेदन के स्टार्टिंग डेट 10 अप्रैल 2024 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 9 मई 2024 है। सैलरी 44,900 से 142,400 है प्रति माह के लिए। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 35 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल OBC WS के लिए 500 है, SST के लिए 125 है। PWD को फीस जमा नहीं करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट या वाइवा वोस टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। झारखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। झारखंड हाईकोर्ट.NIC.IN इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें थर्ड नंबर की जॉब निकली है वो निकली है ओडिशा सबोर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग OSSSC के अंतर्गत रेडियोग्राफर की भर्ती निकली है। 378 वैकेंसीज है। आवेदन 5 अप्रैल से चल रहे हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 15 अप्रैल है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 20 अप्रैल है। 25,500 से 81,100 सैलरी है प्रति माह के लिए। 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। रिटर्न टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है, OSSSC.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फोर्थ नंबर की जॉब निकली है वो निकली है गोखले एजुकेशन सोसाइटी में GES के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है टीचर प्री प्राइमरी, हेड मास्टर, टीचर प्राइमरी, ड्राइंग टीचर, कंप्यूटर टीचर, टीचर सेकेंडरी, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, जूनियर क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, प्योन, आया, हेल्पर, स्वीपर और भी अन्य पोस्ट है। 105 टोटल वैकेंसीज निकली है। वॉक इन इंटरव्यू की डेट 15 और 16 अप्रैल 2024 है। सैलरी आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर फोर्थ क्लास पास, नाइन्थ क्लास पास, ट्वेल्थ क्लास पास और डिग्री धारक अप्लाई कर सकते
सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। 200 रुपये फीस है। बिना एग्जाम के भर्ती या इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। नासिक महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। GESociety.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 और लास्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकले स्टेट सिलेक्शन बोर्ड SSB ओडिशा में। राज्य चयन बोर्ड के अंतर्गत यहाँ पर PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1061 वैकेंसीज निकली है। आवेदन 18 मार्च से चल रहे हैं। लास्ट डेट 18 अप्रैल 2024 है। यहाँ पर फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 18 अप्रैल है। 44,900 से 1,42,400 सैलरी है। PG डिग्री BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 38 वर्ष आयु सीमा है। URSC BC कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस है। SST PWD कैटेगरीज के लिए 200 रुपये फीस है जो कि आप SBI से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट करियर असेसमेंट के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। SSBOdisha.ac.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों ये थी आज के निके 9 अप्रैल 2024 मंगलवार की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप इसे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी इसे कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।